आज हम एक आइसक्रीम बनाएंगे। आइसक्रीम कोन। और आइसक्रीम कोन बनाने के लिए चाहिए हमको एक पेपर जो ऑरेंज या ब्राउन किसी भी कलर का हो सकता है, जो नीचे की कोन होती है वो बनाने के लिए, और ऊपर की आइसक्रीम बनाने के लिए एक वाइट पेपर, ठीक है, कैंची और जो भी फ्लेवर की आइसक्रीम आप बनाने वाले हो वाला कलर। मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बनाऊंगी, आप चॉकलेट फ्लेवर बनाओगे क्योंकि मेरा फेवरेट है चॉकलेट। आपका फेवरेट है चॉकलेट, चले बनाए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कोन, ठीक है। तो कोन बनाने के लिए हमको चाहिए ये वाला पेपर। तो इसमें हम ट्राइंगल जैसी शेप बनाएंगे ऐसा। अच्छा, एक बारी ना इसको नाप लेते हैं। ऐसा करते हैं, ये 15 की बना लेते हैं, ठीक है। तो ये 15 इधर की साइड और 15 सेंटीमीटर जैसे स्केल पर 0 से लेकर 15 यहाँ पर एक निशान लगा। तो निशान बस डॉट लगाना है यहाँ पर 0 पर, ताकि ये 15 सेंटीमीटर लंबा हो जाए, है ना। और ऐसा ही एक डॉट 0 से 15, तो ये 15 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। अब आपको एक लाइन खींचनी है यहाँ से, ऐसे गोल करते हुए, ऐसे गोल करते हुए एक लाइन खींचनी है, ठीक है। चलो ठीक है, मोर और लेस ठीक है, थोड़ा सा और नीचे से कर दो। अब इसको अपन काट देंगे। बनाते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि हर लाइन सेम डिस्टेंस पे बने। इसमें ना जो दूसरी लाइन आएगी ना नोनू, वो थोड़ी सी डायगोनल खींचना, तो उसे क्या है कि डायमंड शेप बनेगी। ये देखो, ये डायमंड शेप बनी है ना। खूब सारा टाइम लगा ना, मगर अपना कौन डिजाइन तैयार हो गया। अच्छा, अब इसको ऐसे, अगली वाला पार्ट ना थोड़ा सा ना डिफिकल्ट होगा, इसको ऐसे करके चिपकाना है। समझ आ गया आपको, ये यहाँ से ऊपर से ज्वाइन करना है और नीचे से भी ज्वाइन करना है, ओके। पेन को पास लाना है और नीचे के कॉर्नर को भी पास लाना है, नीचे के कॉर्नर को भी मिलाना है, ऊपर के कॉर्नर को भी मिलाना है। मैं तो ना फेविकोल लगा देती हूँ, पहले ऊपर लगाती हूँ, उसको पकड़े रखती हूँ, फिर नीचे लगाऊंगी, तो ऊपर का चिपक जाएगा ना। ऐसे मेहंदी की कोन भी बनती है, बताया आपको। हाँ, थोड़ा स्टेबल करो ये, जैसे बीच में सल आ रहा है ना उसको, हाँ इसको हटाओ। एक पॉइंट आएगा, इसको सरकाते जाओ आगे आगे की साइड, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पर ये सल चला जाएगा। ये हाँ है ना। नाउ यू शुड, मेरी भी अच्छी है। ये आपकी भी अच्छी है। ये आपकी कौन, ये मेरी कौन, ओके। नेक्स्ट स्टेप, आइसक्रीम बनाओ इसकी, ओके। फिर आइसक्रीम को कोन में डाल देंगे ताकि अपन खा लें, ठीक है ना। ठीक है, ये पेपर है अपने, दो वाइट वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम है, थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी थोड़ा सा वनीला। इसको बनाएंगे हम एक, क्या बना रहे हैं ये, ऐसे क्या बनाते हैं, स्क्वीकी सी आवाज में, अच्छे से बोलो। ओह यस, मेरा तो बनने वाला है, आपका तो शुरू भी नहीं हुआ स्क्वायर बनना।
मेरी आनी से तो मनता भी नहीं है, बोल ही नहीं होता। तो ये बन गए हमारे दो स्क्वायर। उसको ऐसे करो, मोड़ो, ऐसे करो, एक और बारी मोड़ दो। फिर क्या करना बताते हैं। ये हमने डबल ट्रायंगल को बनाया है। ओके, अब इसको खोलकर इस डायरेक्शन में मोड़ो, दूसरी डायरेक्शन से। अब इसको ना ऐसे बीच में से फोल्ड कर दो एक, और ऐसे खोल कर इसको थोड़ा सा पीछे से भी फोल्ड कर। अच्छा, अब यहाँ इसको ऐसे रखो नीचे पेपर, इसकी एज पकड़ो यहाँ से, यहाँ से इसको ऊपर की साइड थोड़ा सा टिल्ट कर दो। ठीक है, हुआ? हाँ हाँ हाँ। अब ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है बीच वाली, इसको तो अंदर की तरफ पुश करो, और ये जो दोनों टेढ़ी लाइन है ना, इनको बाहर की तरफ। और सेम टू सेम, अब इसमें तो इजी है, इसमें तो बस ये किनारा लिया और इसको अंदर की साइड पुश कर दी। इसको ऐसे रखो, पकड़ो, और इसको अंदर की साइड पुश कर, और फोल्ड कर बस। हाँ, और अब इसको ऐसे फोल्ड कर। और अब हम बनाते हैं फ्लेवर्स। क्या बनाते हैं? फ्लेवर। आप तो चॉकलेट फ्लेवर बनाओगे, और मैं बनाऊंगी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। यहाँ पर कलर कर, किनारी पर भी कर दो। ये जो लाइन है ना बीच की, यहाँ तक कलर करें। देखो, नहीं, कोने यहाँ तक, ये जो बीच की लाइन है ना, यहाँ तक पहुंचाना है। ऐसे ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स बनाने क्या? ऐसे ही, तभी उसका अच्छा लगेगा, वो सुंदर लगेगा ऊपर से देखने में। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा घुला मिला सा होगा तो। मतलब? वेरी गुड। अब ऐसे इसको फ्लिप करो, और इस पे भी कलर करो। क्यों? तभी तो दिखेगा वो। यस, सारे फ्लिक्स में करना है। हाँ, फोर फ्लिक्स में करना है। अभी तो मेरा बन ही हुआ है, और मेरा लास्ट। मेरा तो अभी बन ही हुआ है। हाँ, तो मैं फास्ट फास्ट कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रेसिशन की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू ड्रॉ सम लाइंस, ताकि फ्लेवर का पता चल जाए कि कौन सा है। ये तो आपका आइसक्रीम है, और ये आपका कोन है। अब इस आइसक्रीम को ना थोड़ा से गोल 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 करते हैं। ये जो बंद एजन है यहाँ से, ऐसे नहीं, देखो ये बंद एजन है, इसको यहाँ से यू रोल करना है बस। और इसको अब इसमें, इसको खोलो थोड़ा सा, और इसको इसमें घुसा दो, और इसको ओपन कर दो थोड़ा सा। जब आपने इसको रोल कर दिया ना, फिर इसको इसके, ये जो रोल वाला हिस्सा है नीचे, ये तो ऊपर टिप वाला हिस्सा है, ये तो ऊपर टिप वाला हिस्सा है, ये रोल वाला हिस्सा है, इसको ऐसे करो। और जो ये है ना सबसे पहला, इस पर थोड़ा सा फेविकॉल लगा लो। इसको फेविकॉल से इसकी एज पे चिपका दो। और चिपका के रखने के लिए क्या रूल है? कि पकड़ना पड़ेगा। तो आपको कहाँ फेविकॉल लगाना है? इसकी इस वाली एज पे, जो ये खुला हुआ हिस्सा है ना, जिसमें चार लीव्स हैं, 1 2, तो एक लीफ पर लगाना है। यहाँ पर लगाओ, नहीं बस पॉइंट डॉट लगा दो। हाँ, लगा दो बस। हाँ, बस एक, बस इतना ही। अब इसको आप इसमें घुसा कर और कोने को चिपका दो, है ना। अब क्या करना है, ये जो इसका नेक्स्ट लीफ है ना, उस पर थोड़ा सा फेविकॉल लगाओ, और उसको अंदर घुसा कर थोड़ी सी दूर, इस वाले से थोड़ी सी दूर चिपका दो। देखो मेरा कैसा है।
हाँ, अब आप क्या करो, इसकी लीफ, आगे की लीव्स निकालो। जैसे मैंने एक लीफ यहाँ पे छोड़ दी जो चिपकाई थी, आगे की तीन लीव्स निकालो, फिर जो चिपक गई उसको छोड़ दो और उसकी अगली लीफ को निकालो। मेरी सेकंड लीफ है ये, मैं इधर लगाऊंगी, और ये फोर्थ लीफ पे। अब ये आप हिलाओगे भी ना तो भी नहीं निकलेगी। देखो आपने एक चिपका दिया, अब ये जो बाकी की तीन लीव्स हैं इनको आगे की साइड निकालो और फिर अब इसके कोने पर फेविकॉल लगाओ और इसको चिपका दो आगे की साइड थोड़ा सा। और अब ये बची हमारी लास्ट, इस पर भी लगाओ थोड़ा सा। तो आपकी पूरी भी बन गई ना। अब ये चिपक भी गई, अब ये निकलेगी भी नहीं, और ये प्रॉपर आइसक्रीम बन गई। अपन ने इसको थोड़ा सा कोन के ज्यादा अंदर घुसा दिया है, और आप भी तो छोटे हो। हाँ। आप भी तो मैं भी छोटा।